हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज तनु मलिक फ्रॉम इंग्लिश क्लास एंड टुडे आर टॉपिक इज फिगर्स ऑफ स्पीच। सो लेट्स स्टार्ट। सो दीज आर द लिटरी डिवाइसेज विच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। दे आर टोटल 10 इन नंबर एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पज। तो आइए पहले समझ लेते हैं कि फिगर्स ऑफ स्पीच होता क्या है। फिगर्स ऑफ स्पीच मीन्स ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि राइटर्स या पोएट्स अपने वर्क्स में यूज़ करते हैं टू कन्वे देयर मैसेज इन अ इफेक्टिव मैनर। राइटर्स अपना मैसेज व्यूअर्स तक खूबसूरत ढंग से पहुंचाना चाहते हैं ताकि जो रीडर्स हैं वो उसे लंबे समय तक याद रखें। यू कैन सी द डिफरेंस। फर्स्ट एग्जाम्पल, इफ़ यू से आई एम वेरी हंग्री, अगर आप कहते हो कि मुझे बहुत भूख लगी है, पर उसी को हम बहुत इफेक्टिव मैनर में कैसे कह सकते हैं। I am so hungry that I could eat a horse. अब बात सेम है लेकिन उसे कहा बहुत खूबसूरत ढंग से है और इसका रीडर्स पर बहुत प्रभाव पड़ता है। So, our first poetic device is alliteration, which is very common. अब alliteration होता क्या है? Alliteration means repetition of sounds. जहां पर भी एक ही साउंड की बार बार आवाज आ रही है। अब ये रेपिटेशन ऑफ साउंड एक लाइन में भी हो सकती है या फॉलोइंग लाइन्स में भी हो सकती है, कंसेक्यूटिव लाइन्स में भी हो सकती है। और आपको मैं ये समझाने वाली हूँ विद द हेल्प ऑफ बॉलीवुड सॉन्ग्स। लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल। आपने ये भजन सुना होगा या फिर ये एक मूवी में भी सॉन्ग है, रघुपति राघव राजा राम। अब इसमें किस चीज की रेपिटेशन हो रही है? र साउंड की, रघुपति राघव राजा राम। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फ्रॉम अ बॉलीवुड सॉन्ग। आपने आमिर खान की मूवी देखी होगी लगान, उसका ये सॉन्ग है घनन घनन घन गिर आए भद्रा। होप आपने ये सुना होगा। अब इसमें भी रेपिटेशन है, घनन घनन गिरी गिरी आए बरखा, घन घन घोर कार छाए भद्रा। तो इन सब में रेपिटेशन है जी साउंड की, ग साउंड की। होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट सी सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम आर बुक्स। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई फील लाइक मेकिंग मेलेडीज इन माई हार्ट। सो देयर इज रेपिटेशन ऑफ म साउंड, मेकिंग मेलेडीज इन माई हार्ट। गो एंड गैदर द ग्रीन लीव्स ऑन द ग्रास, सो रेपिटेशन ऑफ जी साउंड। प्लीज पुट अवे योर पेंट्स एंड प्रैक्टिस द पियानो, प प प साउंड इज रिपीटेड। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम सम कार्टून कैरेक्टर्स नेम्स जो आपने अपने बचपन में पक्का देखे होंगे। सम आर मिकी माउस, जो अभी भी बच्चे देखते हैं, डोनाल्ड डक, टी साउंड इज रिपीटेड, पेपा पिग जो अभी नया आया है, सो पी साउंड इज रिपीटेड। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज परसोनिफिकेशन। परसोनिफिकेशन का मतलब होता है जब नॉन ह्यूमन बींग्स को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दे दी जाती हैं, और जब राइटर्स इसे यूज करते हैं तो इससे हमारी इमेजिनेशन पर इफेक्ट पड़ता है। जैसे ही वो इसे यूज करते हैं हम उसे साथ साथ इमेजिन कर सकते हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। Now I am explaining you through a song and you have to imagine simultaneously. चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना। This is a beautiful song. So the characteristics given to moon is all of human beings. क्योंकि जो चांद है वो शर्मा नहीं सकता। कौन शर्माते हैं? Human beings. So this is the characteristic of a human being. Now there are some literary examples. First is I wanted to get money but the ATM died. अब जो ATM है वो मर नहीं सकता लेकिन उसको human qualities दी गई हैं to make the expression more effective. My phone is not cooperating with me. अब cooperate जो word है वो तो human beings के लिए use किया जाता है but it is given to phone. The sea was angry that day. Time waits for no one. So all these qualities are of human beings but they are attributed to non-human beings. Next poetic device is simile. Simile का मतलब होता है जब हम दो चीजों में comparison करते हैं और comparison करते time हम words का use करते हैं as और like. So the example is चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल. So यहाँ पे compare किया गया है beauty of a girl with चांदी. मीन्स गर्ल को रेफर किया गया है कि जो उसका कलर है, उसकी जो ब्यूटी है वो चांदी जैसी है और उसके जो बाल हैं वो सोने जैसे हैं। और यहाँ पे यूज किया गया है वर्ड लाइक। सो द कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू थिंग्स बट दीज वर्ड्स आर यूज्ड। सम कॉमन एग्जांपल्स आर ही फॉट लाइक अ लाइन,
जब हम किसी भी लड़ाई को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं कि वो शेर की तरह लड़ा, लाइक अ लायन। शी इज लाइक अ रेड रोज, वो बिल्कुल रेड रोज जैसी है। लाइक कूल एज अ कुकुम्बर। सो वर्ड्स आर यूज लाइक एंड एज। नाउ देर आर सम मोर एग्जाम्पल्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स। लव इज लाइक वॉर। सो लव को वॉर से कंपेयर किया गया है बाय यूजिंग द वर्ड लाइक। द पेन इज लाइक एन एक्स दैट चॉप्स माई हार्ट। अ लाइब्रेरी इज लाइक एन आइलैंड इन द मिडल ऑफ अ वास्ट सी ऑफ इग्नोरेंस। लाइब्रेरी को एक वास्ट आइलैंड से कंपेयर किया गया है बाय यूजिंग द वर्ड लाइक। नेक्स्ट इज मेटाफर। मेटाफर मीन्स व्हेन वी कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स और उसमें कुछ ना कुछ कॉमन होता है। सो फॉर दिस द एग्जाम्पल इज तू मेरी जिंदगी है। यहाँ पे क्या किया है, किसी को जो भी आपके सामने है आप उसको बोल रहे हो कि तू मेरी जिंदगी है। सो दिस इज अ कंपैरिजन, डायरेक्ट कंपैरिजन। आपने उसको डायरेक्ट रेफरेंस दिया है, आपने ये नहीं बोला है कि तू मेरी जिंदगी जैसी है जैसे हम सिमिली में करते हैं। आपने डायरेक्ट बोला है तू मेरी जिंदगी है। सो सम कॉमन एग्जाम्पल्स फ्रॉम बुक आर लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। ये बहुत कॉमन है और आपने सुना भी होगा। सो लाफ्टर को डायरेक्ट मेडिसिन बोला गया है, बेस्ट मेडिसिन। टाइम इज मनी। लव इज अ बैटल फील्ड। इज देयर अ ब्लैक शीप इन योर फैमिली। सो दिस इज अ डायरेक्ट कंपेरिजन। होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ द पोएटिक डिवाइस इज हाइपरब्ली। इसकी प्रोनाउंसिएशन है हाइपरब्ली। हाइपरब्ली का मतलब होता है जब किसी भी स्टेटमेंट को बहुत बढ़ा चढ़ाकर एग्जेजरेशन के साथ बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगेन एक बहुत पुराना सॉन्ग है, पर्वतों से आज मैं टकरा गया। अब इसमें जो सिंगर है वो कह रहा है कि मैं तेरे लिए पर्वतों से टकरा गया, विच इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, लिटिल फनी। एक और सॉन्ग याद आ रहा है मुझे, शाहरुख खान का सॉन्ग है, चांद तारे तोड़ लाऊं सारी दुनिया पर मैं छाऊं। सो ऑल दीज थिंग्स जो हीरो अपनी लवर के लिए कह रहा है, दीज आर नॉट पॉसिबल। सो दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ हाइपरब्ली। सो सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम आर बुक्स। आई एम डाइंग ऑफ थर्स्ट। अब ठीक है हमें बहुत प्यास लगी है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल मरने वाले, दिस इज एग्जेजरेशन। आई एम सो हंग्री दैट आई कुड ईट अ हॉर्स। मैं इतना भूखा हूँ कि मैं एक हॉर्स भी खा सकता हूँ। अब इतना भूखा तो कोई नहीं होता है। आई एम सो टायर्ड दैट आई कुड स्लीप फॉर अ वीक। अब हम कितने भी थके हों हम कुछ टाइम ही सो सकते हैं। Who could sleep for a week? I am the king of the world. This is a famous dialogue from the movie Titanic and this is height of exaggeration. This is a wonderful poetic device, onomatopoeia. अब इस डिवाइस की खास बात ये है कि ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इमिटेट करते हैं नेचुरल साउंड को। मीन्स जब आप इन वर्ड्स को पढ़ते हो तो आपको पता चल जाता है ये किस चीज का साउंड है। फॉर एग्जाम्पल अ फेमस माधुरी दीक्षित सॉन्ग, कोयल सी तेरी बोली कुकु कुकु, दिस इज फनी। सो हमें यह सॉन्ग से क्या पता चल रहा है कि जो कोयल की बोली है वो कैसी है, कुकु। हम ये छोटे बच्चों को भी याद करवाते हैं एनिमल्स के जब साउंड्स याद करवाते हैं। द बजिंग बी फ्लू अवे। नाउ दीज आर द एग्जाम्पल्स फ्रॉम लिटरेचर। सो बजिंग बी, बी की जो आवाज है वो बजिंग होती है। नाउ देर आर सम अदर एग्जाम्पल्स विच इमिटेट्स द साउंड ऑफ अ वर्ड। द सैक फेल इन टू द रिवर विद अ स्प्लैश। नाउ दिस इज द साउंड ऑफ वाटर। जब हम पानी में कोई चीज गिराते हैं तो जो आवाज आती है उसकी वो आवाज होती है स्प्लैश। द बुक्स फेल ऑन द टेबल विद अ लाउड थम्प। थम्प आवाज होती है जब आप अपने टेबल पर जोर से पटक कर कोई चीज को फेंकते हो। नाउ दीज आर द साउंड ऑफ सम एनिमल्स। और ये साउंड्स हम छोटे बच्चों को याद करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल काउ सेज मू, डॉग सेज वाउ, कैट सेज म्याऊ। अब आपको समझ आ गया होगा कि ओनोमेटोपिया से रिलेटेड वर्ड्स कौन से होते हैं। नाउ आयरनी इज अ लिटरेरी डिवाइस वेयर अ सिचुएशन इज रिवील्ड बट देयर इज अ हिडन मीनिंग। जो राइटर्स हैं वो इसको बहुत इफेक्टिव वे में प्रेजेंट करते हैं और आयरनी में जैसा दिखाया जाता है वैसा होता नहीं है।
जो राइटर ने हमें स्टेटमेंट में दिखाया है वो पढ़ने में जैसा लग रहा है लेकिन रियलिटी में कुछ और है। देयर इज रियलिटी वर्सेस अपीयरेंस। लेट अस अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम एन एग्जाम्पल। आपने ये डायलॉग बहुत बार सुना होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, विच इज फ्रॉम सनी देओल। अब इसमें जैसा डायलॉग में लिखा हुआ है उसके पीछे रियलिटी कुछ और है। डायलॉग में लिखा है कि जो डेट्स हैं वो रेगुलर बेसिस पर मिलती जा रही हैं, कंटिन्यूअसली मिल रही हैं, बट इनका मिलने का क्या फायदा जब इंसाफ ही नहीं मिला है। अपियरेंस इज तारीख जो है वो कंटिन्यूअसली मिलती जा रही है, बट रियलिटी इज जो इंसाफ है वो अभी तक नहीं मिला। सेकेंड एग्जाम्पल, तुम्हारे पास पैसे इसलिए हैं क्योंकि मैंने कमाए हैं। अनिल कपूर इज सेइंग इन ए सटायरिकल वे दैट ही हैज मनी बिकॉज ही अर्नड इट। नाउ रियलिटी इज पैसे अनिल कपूर के पास हैं लेकिन उसे खर्च कौन कर रहा है? रणबीर कपूर। तो होप अब आपको समझ आ गया होगा कि रियलिटी वर्सेस अपियरेंस में क्या डिफरेंस है। जैसा दिखाया गया है वैसा नहीं होता है, देयर इज अ हिडन मीनिंग। नाउ लेट सी सम अदर एग्जाम्पल्स। एलन हैज बीन अ मैरिज काउंसलर फॉर 10 ईयर्स। एलन नाम का एक आदमी है जो कि मैरिज काउंसलर रहा है। अब जो इंसान खुद एक मैरिज काउंसलर रहा है उससे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका खुद का मैरिज बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा, बट व्हाट इज द रियलिटी? ही हिमसेल्फ इज फाइलिंग फॉर डाइवोर्स। सो हेयर रियलिटी इज समथिंग एल्स एंड अपियरेंस इज डिफरेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द पुलिस स्टेशन गेट्स रॉब्ड। अब हम सबसे ज्यादा विश्वास या सेफ किसको मानते हैं? पुलिस को, कि वो खुद को भी सेफ रखती है और हमें भी सेफ रखती है। और अगर पुलिस स्टेशन में ही चोरी होगी सो अपियरेंस इज समथिंग एल्स एंड रियलिटी इज डिफरेंट। अब फायर स्टेशन बर्न्स डाउन। अब जब भी कहीं पर आग लग जाती है तो सबसे पहले फायर स्टेशन को कॉल की जाती है और उस पे लोगों का बहुत ट्रस्ट होता है, लेकिन अगर फायर स्टेशन में ही आग लग गई तो अपियरेंस इज समथिंग एल्स। अपियरेंस इज कि ये लोग हमें बचाएंगे, बट रियलिटी इज कि वो खुद को ही नहीं बचा पाए। सो अपियरेंस इज समथिंग एल्स बट रियलिटी इज डिफरेंट। सो देयर इज अ हिडन मीनिंग इन द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में जैसा दिखाया गया है उसका मीनिंग उससे कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, उससे ऑपोजिट होता है। दिस इज आयरनी। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज पन। पन मीन्स प्ले ऑन वर्ड्स। राइटर्स पन को इस तरह से यूज करते हैं, वर्ड्स के साथ एक तरह से खेलते हैं। वो एक ही वर्ड को 2-3 बार भी यूज कर सकते हैं या 2 बार भी यूज कर सकते हैं, या वर्ड्स को कुछ इस तरह से यूज करते हैं कि उन्हें लिखा किसी और से गया है और उनका मतलब कुछ और है। लेट्स सी द एग्जाम्पल। दिस इज अ फेमस सॉन्ग ऑफ गुरु रंधावा, तेनु सूट सूट कर दा। सो हेयर सूट इज यूज ट्वाइस। इस वर्ड को 2 बार यूज किया गया है। तेनू सूट, यहाँ पे जो सूट है वो एक क्लॉथ है, ये एक ड्रेस है, और सूट मींस कि उसके ऊपर अच्छा लगता है, तो सूट सूट कर दा। ये जो दोनों वर्ड्स हैं ये सेम हैं लेकिन इनका मीनिंग डिफरेंट है। यहाँ पे जो सिंगर है उसने इन वर्ड्स का बहुत अच्छा यूज किया, इससे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। अदर एग्जाम्पल फ्रॉम बुक इज द साइक्लिस्ट वॉज टू टायर्ड टू विन द रेस। अब जो साइकिलिस्ट है वो टू टायर्ड, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि साइकिल के 2 टायर हैं, और इसका दूसरा मतलब ये है कि जो साइकिलिस्ट है वो बहुत थक चुका है टू विन द रेस। अदर एग्जाम्पल इज द रोड टू सक्सेस इज ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन। मीन्स अगर हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं इसका मतलब है कि हम साथ साथ सीख रहे हैं। सो दिस इज द अदर मीनिंग। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस मीन्स अ लिटरेरी डिवाइस जिसमें रेपिटेशन होती है कॉन्सोनेंट साउंड्स की। नाउ व्हाट आर कॉन्सोनेंट्स? कॉन्सोनेंट्स जो कि वॉल से अलग होते हैं, बी सी डी, दीज आर कॉन्सोनेंट्स एंड देर आर मेनी अदर कॉन्सोनेंट्स। लेट सी द एग्जाम्पल। नाउ द सॉन्ग इज चंदा चमके चम चम चिखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी खोर। इज अ सॉन्ग फ्रॉम काजोल एंड आमिर खान्स मूवी। सो द रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड सी 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 इज रिपीटेड इन द होल सॉन्ग।
some examples from book. It's a matter of time. So T is repeated twice. Mike likes his new bike. So K sound is repeated. It is also a consonant. The zoo was amazing, especially the lizards and chimpanzees. So Z sound is repeated. There is no right time to imitate the teacher. So T sound is repeated. So what is the difference? कॉन्सोनेंस और एसोनेंस में ये डिफरेंस है कि ये कॉन्सोनेंट्स होते हैं और दूसरी साइड जब हम एसोनेंस करेंगे उसमें वॉल साउंड्स होंगे. नाउ द लास्ट लिटरी डिवाइस इज एसोनेंस. एसोनेंस मींस जिसमें वॉल साउंड्स इंक्लूड होते हैं. रेपिटेशन ऑफ सम वॉल साउंड्स, वॉल्स, ए ई आई ओ यू. नाउ फॉर दिस सम बॉलीवुड सॉन्ग्स आर कैसे मुझे तुम मिल गई, आए आए and I is repeated. Next song is gulabi aankhein jo teri dekhi. So I and dekhi mein bhi I is repeated. So these vowel sounds are repeated. Now here are some examples from book. He fell asleep under the cherry tree. So here E is repeated as a vowel sound. The cat is out of the bag. So vowel sound is O. O is repeated twice. Winner, winner, chicken dinner. Here two vowel sounds are repeated. I and E. These are repeated in all the words. I and E. Those lazy, hazy, crazy days of summer. Now here E sound is repeated. लेकिन यहाँ तो Y लिखा है, पर हमें देखना है कि sound कौन सा है. Sound है lazy. E की आवाज आ रही है. सो दोज लेजी हेजी क्रेजी डेज ऑफ समर. सो ई साउंड इज रिपीटेड 4 टाइम्स. सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर बियरिंग माई सिंगिंग. बट दिस इज द ओनली वे दैट आई कैन टीच यू पोएटिक डिवाइसेस. थैंक यू. बाय बाय. फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू दिस चैनल इंग्लिश क्लास.